नमस्कार, मेरा नाम आर्यन कपूर है और हाल ही में संपन्न हुई कैट 2020 परीक्षा में मैंने 100% स्कोर किया है। तो आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक वाले चैनल के माध्यम से आपको अपनी स्टोरी और कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं पहले शुरू करूँगा कि कैट की परीक्षा क्या है। कैट का फुल फॉर्म कॉमन एडमिशन टेस्ट है और इससे IIMs और अन्य अच्छे इंस्टीट्यूशंस में MBA और अन्य पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है। तो इसमें एक अच्छा फीचर क्या है कि अगर आपका एक बार ना हुआ हो तो ये कई बार आप दे सकते हो, ऐसे कोई लिमिट नहीं है। तो मेरा लकीली ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है, तो मैं अभी आपको अपनी स्टोरी शेयर करूँगा। तो पहले आप सोचेंगे कि मेरा ध्यान MBA की ओर कैसे गया। तो मेरे जैसे फादर इज अ बिजनेसमैन, तो और माय मदर इज अ टीचर, शी इज अ कॉमर्स ग्रेड। तो मेरे घर में ही शुरू से ही मेरे पास थोड़ा बिजनेस की ओर ध्यान चला जाता था। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो मैं फाइनेंस के थोड़े कोर्स लिए थे, तो मेरे को उसमें अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा, तो मेरे को लगा कि MBA मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे बारे में मैं अगर कुछ बताऊं तो मैं 21 साल की उम्र का हूं और मैंने अपना स्कूलिंग अपने होम टाउन गढ़शंकर डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब से करी है और अभी मैं फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी में। तो इसके लिए मैं अब आगे MBA करना चाहता हूँ ताकि मेरा करियर और अच्छा बन सके। और अब यानी मैं आपको कैट की परीक्षा के बारे में बताऊंगा। तो कैट की परीक्षा में 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, डेटा एंड लॉजिक एंड मैथ्स। ये तीनों सेक्शन यूजुअली 1-1 घंटे के होते थे, बट इस बार 40-40 मिनट के हो गए, तो यानी टोटल ये 2 घंटे की परीक्षा हुई। और इसमें 40 मिनट मिलते हैं एक सेक्शन के लिए और आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में 40 मिनट के बाद ही जा सकते हैं। मैंने देखा है कि कई बार कुछ नॉन इंजीनियर्स मैथ्स वाले सेक्शन से घबरा जाते हैं, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मैथ्स इसमें काफ़ी बेसिक लेवल की आती है और ऐसे साइंस के स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा एडवांटेज नहीं होती। तो अब मैं आगे आना चाहूँगा कि मैंने इसकी तैयारी कैसे करी। तो मैं आखिरी 6 महीने से इसकी तैयारी में जुटा हुआ था और मैं अपने इंटर्नशिप के साथ साथ इसको बैलेंस कर रहा था। कैट की तैयारी करने के लिए एक तो मैंने टाइम इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन कोचिंग ले रखी थी और एक मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी IIMs इंस्टीट्यूट से। और मेरा इंग्लिश सबसे वीक सेक्शन था, तो मैंने उसके लिए एक स्पेशल अलग से करियर लॉन्चर का कोर्स लिया था और उसमें मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से अगर इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है प्रेपरेशन में, तो एक तो है कंटिन्यूस हार्डवर्क और ऊपर से हर हफ्ते एक मॉक तो एटलीस्ट देना ही चाहिए और मॉक के बाद उसको एनालाइज करने में मॉक से भी ज़्यादा समय बिताना चाहिए, क्योंकि कैट एक टाइम्ड परीक्षा है, यानी 2 घंटे में हमें ख़त्म करना होता है। तो मेरा मानना है कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आना चाहिए, बट क्वेश्चन को कम से कम टाइम में एफिशिएंट से एफिशिएंट तरीके में हमें सॉल्व करना आना चाहिए। और तो और कैट में सभी क्वेश्चन करना बहुत कठिन होता है, तो इसलिए हमें जो कठिन सवाल होते हैं वो भी हमें लीव करने आने चाहिए और उन पे अगर हम क्योंकि टाइम ख़राब कर दें तो हम इजी क्वेश्चंस मिस कर जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा है अलोंगसाइड एप्टीट्यूड का टेस्ट। तो इसमें अगर हम देखे जाए तो मैंने टोटल 40-50 के बीच में मॉक्स दिए थे और ये मैं हर मॉक के बाद अच्छे से एनालाइज करने बैठता था कि मेरी क्या गलती हुई, क्यों गलती हुई, और मैं इनको नोट करता था। तो मैं नोट करने के बाद उनको रिवाइज करता था ताकि कि मेरी गलती दोबारा ना हो, अगर नहीं तो मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप वही गलती दोबारा करें। तो कई बार मेरे को अभी भी मेरे जूनियर्स पूछ रहे थे कि ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग या सेल्फ स्टडी, और कई जैसे होते हैं दे कांट अफोर्ड कोचिंग, तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के बीच में तो मैं कहूँगा कि जो आपको सुविधा अनुसार है वो आप ज़रूर ऐसे लीजिए अगर आपको लेने चाहते हैं। अब जैसे मैं कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच में पढ़ रहा था तो मैंने ऑनलाइन ली थी, बट अगर आपको ऑफलाइन कंफर्टेबल लगती है तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं।
और मेरे कई दोस्तों ने सेल्फ स्टडी से भी ये परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो सेल्फ स्टडी से भी ये परीक्षा हो सकती है। सेल्फ स्टडी के लिए अगर आपने करना है तो ये आप, मैं कहूँगा कि आप कैट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो एक बुक या दो बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उस उनको परचेज करके आप उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए। और बाकी अगर आपको और कोई डाउट है तो कोई ऑनलाइन वेबसाइट, जैसे कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं और कोई भी इंग्लिश न्यूज़ वेबसाइट, उधर आप इंग्लिश के आर्टिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सुडोकू खेल सकते हैं और एक और गेम होती है जो लॉजिक्स एंड पजल्स हैं वो खेल सकते हैं, और एक मैं जैपनीज गेम खेलता था ककुरो, उसमें भी आपको यानी लॉजिक एंड डेटा सेक्शन में काफ़ी मदद मिल सकती है। और मैथ्स के लिए अगर आप अपने यानी दिमाग में सवाल करेंगे तो उससे काफ़ी मैंने देखा है कि जल्दी सॉल्व होता है क्वेश्चन रादर देन यूजिंग पेन एंड पेपर। तो ये मेरी स्ट्रेटजी अपनी भी खुद मैंने रही कि मैंने पिछले पेपर्स सभी सॉल्व किए थे, और तो और मैं स्ट्रेटजी के साथ साथ इंग्लिश के आर्टिकल्स पढ़ता था ऑनलाइन और सुडोकू और ककुरो सॉल्व करता था, और मैथ्स के दिमाग में मेंटल मैथ्स करने की कोशिश करना था कि बिना पेन और पेपर लिए जल्दी से जल्दी दिमाग में ही क्वेश्चन करके देखूं। तो अगर कोई मेरे को पूछे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी प्रेपरेशन में क्या रही थी, वो है मॉक्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैंने 40 से 50 के बीच में मॉक्स दिए थे, तो ऑलमोस्ट सभी जो सक्सेसफुल रहे हैं कैट में उन्होंने इतने मॉक्स या इससे ज़्यादा ही मॉक्स दिए हैं। मॉक्स के साथ ऐसा होता है कि आपको उस एटमॉस्फेयर और उस यानी स्ट्रेटजी के लिए आप तैयार हो जाते हैं, और जैसे कि इस बार IIM इंदौर जिसने कैट करवाया था, उन्होंने क्वेश्चंस और पैटर्न एग्जैक्टली नहीं बताया था कैट से पहले, तो जो मैंने 20 या 30 मॉक्स पैटर्न चेंज होने के बाद दिए उससे मेरे को काफ़ी एडवांटेज मिली, क्योंकि मेरे को हर सिचुएशन के लिए मैं तैयार था, भले ही क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आते पेपर में या 60 क्वेश्चन आते। अंत में पेपर में 76 क्वेश्चंस हैं जिसमें 26 क्वेश्चन थे इंग्लिश में, 24 लॉजिक में एंड 26 मैथ में। तो अब मैं अपना स्कोर के साथ साथ अपना थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटजी में बताऊंगा इनके लिए और कैसे मैं इनके लिए पढ़ा। तो पहला सेक्शन होता है इंग्लिश, और उसमें मेरे 26 क्वेश्चंस में से मेरे टोटल 48 मार्क्स आए हैं और 99.71% है। तो इसके लिए यानी ये मेरा सबसे डिफिकल्ट मेरे को सब्जेक्ट लगता था, मेरा वीकेस्ट लिंक था, तो मैंने जैसे पहले भी बताया मैंने इसके लिए एक स्पेशल अलग से कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, VARC 1000 कोर्स बाय जीजो सर ऑफ करियर लॉन्चर, प्लस मैं आर्टिकल्स पढ़ता था क्योंकि ये इंग्लिश कहने का सब्जेक्ट है बट इसमें कहीं से भी हिस्ट्री, आर्ट, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, साइंस में आर्टिकल्स आते हैं, एसेज आते हैं, पैराग्राफ्स आते हैं, और इसके लिए आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो इसमें क्या चीज़ होती है, या तो पैराग्राफ डिफ़िकल्ट वर्डेड हो सकता है, या ऑप्शंस डिफ़िकल्ट वर्डेड हो सकते हैं, या दोनों डिफ़िकल्ट वर्डेड हो सकते हैं। हाल ही में जो मैंने देखा है 2019 और 2020 की परीक्षाओं में इंग्लिश सबसे टफ सेक्शन बन के आ रहा है, जबकि 2018 तक ये सबसे ईजी सेक्शन में से आ रहा था। तो अब जबकि और ये टफ हो गया था, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं इसमें अच्छा स्कोर करूं, क्योंकि यही मेरा वीकेस्ट लिंक था जब मैंने प्रिपरेशन के वक्त देखा था। तो इसी लहजे में मैंने 60% से 70% टाइम अपना इंग्लिश की प्रिपरेशन में ही लगाया था, और मैं अंत में उसमें इंग्लिश में अच्छा करने में सफल रहा। इंग्लिश में मेरी स्ट्रेटजी पेपर में ये रहती थी कि मैं कोई क्वेश्चन यानी छोड़ना नहीं चाहता था, और मैं ऐसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करता था, और मैं ऑर्डर वाइज चलता था। ऑर्डर वाइज चलने से ऐसा रहता था कि मैं टाइम का ट्रैक लीनियरली रख सकता था, तो मेरे को उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ और मेरी स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से तो सफल हुई है। इंग्लिश में ऐसा होता है कि कई बार क्वेश्चंस हमें कुछ लग रहा होता है, बट हमें एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू या न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। जैसे कि अगर कुछ ऐसे में कोई पैराग्राफ मेंशनड है, बट अगर आपको पता है कि वो पैराग्राफ होना चाहिए, तो आपको खुद ऐसे अपने ओर से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, जो पैराग्राफ और जो पैसेज दिया है उसमें से ही आपको नॉलेज लेकर अटेम्प्ट करना होता है। इंग्लिश में आगे वर्बल एबिलिटी में आते हैं पैराग्राफ जंबल,
पैराग्राफ समरी एंड ऑड वन आउट। पैराग्राफ जंबल में आपको चार या पांच लाइंस जंबल करके दी होती हैं, उसमें से आपको एक अच्छा पैराग्राफ बनाना होता है। और पैराग्राफ समरी में आपको एक बड़ा पैराग्राफ दिया होता है, तो उसको आपने एक लाइन में समराइज करना होता है। और ऑड वन आउट में आपको पांच लाइंस दी होती हैं, उसमें से चार एक पैराग्राफ बनाती हैं और एक नॉन कॉन्टेक्स्चुअल होती हैं, जिसका उस पैराग्राफ में कोई यूज नहीं होता, तो उसको आपने अलग करना होता है। तो इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने भी काफ़ी प्रैक्टिस की थी इनकी, तो मैं इसमें भी सफल हुआ। मेरे इसमें टोटल 7 क्वेश्चन सफल हुए, सही हुए, तो ये मेरे वर्क में सफलता का बड़ा कारण रहा। अब अगला सेक्शन में आऊँगा, डेटा एंड लॉजिक सेक्शन में। मैं मानता हूँ कि डेटा एंड लॉजिक सेक्शन कैट का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, क्योंकि जो इस सेक्शन में अच्छा करता है उसका ऑलमोस्ट एक अच्छा स्कोर गारंटीड होता है। तो डेटा एंड लॉजिक सेक्शन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 5 सेट होते हैं, जिसमें 2 सेट्स में 6 क्वेश्चन और 3 सेट्स में 4 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल इसमें 24 क्वेश्चन होते हैं, 72 मार्क्स का होता है। इसमें मेरे 56 मार्क्स आए हैं और 99.99% आई है, तो मैं अपने आप को इस सेक्शन में सफल मानूंगा। और ये सेक्शन मेरा एक स्ट्रेंथ था, और मैं इसके लिए तैयारी कैसे करी है कि मैं प्रीवियस ईयर्स पेपर में जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे वो मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करता था, और बाद में अपने दोस्तों से और गाइड सॉल्यूशन से भी देखता था, ताकि कि मैं देखूं कि मेरा सॉल्यूशन सबसे सरल वाला और सबसे तेज़ वाला था। डेटा एंड लॉजिक से काफ़ी लोग डरते हैं कि अगर एक सेट सॉल्व ना हुआ तो ये 12 मार्क्स या 18 मार्क्स में हमें पड़ सकता है। बट ऐसा क्या होता है कि अगर आप किसी सेक्शन में या किसी सेट में उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो मेरा स्ट्रेटजी क्या रहती थी कि मैं क्वेश्चंस को देख के उससे शुरू करता था, कि जैसे सेट को तो पढ़ ही लिया और उसके बाद क्वेश्चन में पूछा, देखा कि क्या पूछा गया है, उससे ऑलमोस्ट 100 में से 90 टाइम्स में हमें पता चल जाता था कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया और हम उसको कैसे प्रोसीड करें। तो इस स्ट्रेटजी का मेरे कैट में भी काफ़ी लाभ हुआ, क्योंकि मैं 2 सेट्स में मेरे को काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा था, बट जब मैंने क्वेश्चंस 3 या 4 उसी सेट के देखे तो मेरे को पता लग गया, अंदाज़ा हो गया कि इसी डायरेक्शन में जाना है, और वो मेरे सेट काफ़ी सरलता से पूरे हो गए। और इसमें अगर हम देखे जाए तो अगर आपको कई बार क्या होता है कि टाइम कम होता है, तो मेरा भी यही स्ट्रेटजी होती थी कि पहले लॉजिकल रीजनिंग वाले एक बार सेट्स कर लें, क्योंकि जो डेटा वाले सेट्स होते हैं उसमें से एक एक क्वेश्चन आप अलग पूरा सेट सॉल्व किए बिना भी कर सकते हैं, तो वो मैं एंड के टाइम के लिए रखता था, ताकि मेरा कोई पूरा सेट ना छूटे, और अगर एंड में मैं 2 सेट भी कर लूँ या एंड में आखिरी 10 मिनट में 2 सेट भी कर लूँ, तो वो डेटा ही कर सकता था मैं। तो इसलिए मैं टोटल मेरा अटैम्प्ट इसमें फुल था, और मैं मॉक्स में भी, यानी अटैम्प्ट अगर 5 सेट थे तो मैं 4 से ऊपर 4.5 इतना रखना चाहता था, और अगर 6 सेट होते थे मैं 5 से ऊपर रखना चाहता था। तो इसमें मैं सफल हुआ। और मेरी स्ट्रेटजी क्या होती थी, मैं सभी मॉक्स के सभी सेट्स पहले पढ़ता था, और जो सबसे सरल होता था वही मैं करता था, और डिफिकल्ट वाले को मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि हमें क्वेश्चन देख के लीव करना आना चाहिए। तो ये थी मेरी डेटा एंड लॉजिक की स्ट्रेटजी। अगला आखिरी मैथ्स का सेक्शन होता है, उसको क्वांटिटेटिव एबिलिटी बोलते हैं। इसमें 26 क्वेश्चन थे 78 मार्क्स के, और मेरे 67 मार्क्स आए हैं और 99.98% आए हैं। तो इसमें मेरी स्ट्रेटजी क्या थी कि ये जो मैथ्स होती है ये स्कूल और प्लस वन लेवल की होती है, और इसमें कोई ट्रिक क्वेश्चन ऐसे नहीं होता, कि कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं होता, बट इसमें थोड़े लंबे क्वेश्चन होते हैं, बट अगर हमें ट्रिक पता हो तो हम उसको सरल तरीके से कम टाइम में कर सकते हैं। जब मैं अपने मॉक्स दे रहा था तब मैं देख रहा था कि मैं सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व कर सकता हूँ, और मैंने कैट में भी 22 क्वेश्चन सॉल्व किए 26 में से, बट मेरी क्या गलती होती थी कि मैं कोई सिली मिस्टेक कर देता था, जैसे 2+3 को कभी 4 ले लिया, कभी 6 ले लिया, या कुछ ऐसे यानी सिली मिस्टेक कर देता था। तो इस स्ट्रेटजी में मैंने ये बनाया था कि इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट भले 1-2 कम हो जाएं,
बट मैं एक्यूरेसी पे ध्यान देता था क्योंकि मैं इसमें लूज आउट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैच सबसे ज़्यादा लोगों का स्ट्रांग होता है और ये बहुत हाई स्कोरिंग सेक्शन होता है मेरे मानने में। तो इसके लिए मैंने जब 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो मेरे 21 से ही हुए कैट में, और जो 22nd था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो वो मैंने लास्ट में ब्लाइंड गेस मारा था, तो वो चीज़ मैंने ऐसे करी थी, तो मेरा 67 उसमें मार्क्स आ गए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो मैंने टाइम के मटेरियल को अच्छी तरह से सॉल्व किया था, और फिर मैं बोलूँगा कि मैंने प्रीवियस ईयर कैट के एग्ज़ाम करे थे और मॉक्स को भी मैंने अच्छे से सॉल्व किया था। क्वांट में मैंने एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि जो भी मैं क्वेश्चन मॉक में या कहीं और गलत करता था तो उसके लिए मैंने अलग एक एरर नोटबुक बना के रखी थी, ताकि मैं देख सकूं कि ये क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो। एक और मैं क्वांट में सलाह देना चाहूँगा जो मेरे सीनियर्स ने मेरे को बताई, बट मैं खुद नहीं कर पाया, बट काफ़ी अच्छी सलाह थी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन की ट्रिक दिखे जो आपको लग रहा है काफ़ी अच्छा अप्रोच है टू सॉल्व द क्वेश्चन, उसके लिए आप अलग कॉपी बना के उसको लिख सकते हैं, ताकि आप वापस आके उसको देखें, रिवाइज करें, और अगली बार जब आप मॉक में या किसी टेस्ट में उसको क्वेश्चन को देखें तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। तो अन्य में जनरल टिप्स में आना चाहूँगा कि मैंने देखा है काफ़ी एस्पिरेंट नए पैटर्न से डरे हुए थे और उसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे थे। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने नए पैटर्न अनाउंस होने के बाद कि पैटर्न बदल रहा है, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 20 मॉक्स दिए हैं, तो उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा हो गया कि मेरे को पता था कि भले 60 क्वेश्चन आए या भले 100 क्वेश्चन आए, मैं उसके लिए किसी भी कंडीशन से तैयार था। तो ऐसे चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, शांत और काम माइंड लेके जाना चाहिए और अच्छे से मॉक देना चाहिए और अच्छे से ही कैट परीक्षा भी देनी चाहिए। तो इसमें कैट में ऐसा ही था कि जैसे मेरा सुबह वाला स्लॉट था 8:30 से 10:30, तो मैं 1 महीने पहले से जब मेरे को मेरा स्लॉट पता चला उसी स्लॉट में मॉक देता था अपने, यानी घर में अकेला रह के, और अच्छे से शांति से देता था, बिल्कुल मैं एक्चुअल कैट वाला मॉक का एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करता था। और उसके बाद ऐसा ही था कि जैसे अब मेरा एक्चुअल कैट में मेरा जब इंग्लिश का सेक्शन शुरू हुआ तो पहला पैसेज मेरे को काफ़ी टफ लगा, तो बट ऐसा था कि मेरे को पता है कि कैट में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको तीनों सेक्शन में अच्छा करना पड़ेगा, तो मैंने वो यानी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदल के वो अपना पैसेज छोड़ के मैं अगले पैसेज पे गया, और ऐसे ही थोड़ी सी आपको स्ट्रेटेजी शायद असल कैट में बदलनी पड़े। बट मैंने जो कि वो क्वेश्चन छोड़ा उससे मेरे को बाकी सेक्शन में फ़ायदा हो गया, और वो भी मैं क्वेश्चन वापस, मेरे को पास 5 मिनट थे एंड में, वो भी आके मैं कर पाया। ऐसे ही डेटा एंड लॉजिक में अंत में मेरे को 2 सेट करने थे, तो मैंने ऑप्शंस के बीच में से देख के वो मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि ये हो सकता है आंसर, तो मैंने ऑप्शंस की मदद से भी आखिरी के 2 सेट को थोड़ा और जल्दी करने का यानी तरीका अपनाया, और मेरे को उसमें भी सफलता मिली, तो मैं उसमें DILR में मैं रिवाइज कर पाया अपने आंसर्स को। क्वांट में भी यही होता है कि जैसे मेरे को ज्योमेट्री एंड परमोटेशंस एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, तो मैं इसके क्वेश्चंस सीधे छोड़ के पहले बाकी क्वेश्चंस कर रहा होता था, और इससे मेरे को आखिर में 10 मिनट बचे थे, तो मेरे पास 5-6 क्वेश्चन करने का और टाइम था, और उसमें भी मैं सफल हो पाया। और बाकी मेरी कोई जूनियर्स या बाकी मेरे दोस्तों को अगर सलाह रहेगी तो यही रहेगी कि अगर आप कॉन्टीन्यूस प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई आप इंटर्नशिप या जॉब के साथ कर रहे हो तो ऐसे डरने वाली बात कोई नहीं है। अब जैसे मेरा भी इंटर्नशिप चल रही थी तो मैं टाइम मैनेजमेंट ऐसे करता था कि वीकडेज को जब मेरा काम होता था तब मेरे को अगर 1 या 2 घंटे भी मिल जाए तो मैं उसमें खुश हो जाता था और उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करता था, और मैं मेन प्रिपरेशन अपनी वीकेंड्स पे ही करता था, 4 या 5 घंटे दिन पे मैं लगाना चाहता था। तो आखिर के 1 महीने में मैंने थोड़ा सा सोशल मीडिया कट ऑफ कर दिया था, घर से निकलना भी बंद कर दिया था, ताकि मैं अब इस परीक्षा के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन ना मिले मेरे को और मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ। और मैं क्या कहना चाहूँगा कि अगर आपका कैट नहीं होता तो काफ़ी और परीक्षा भी हैं, जैसे मैंने भी एक जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का XAT टेस्ट भरा है,
और भी कई टेस्ट होते हैं जैसे महाराष्ट्र सीईटी, और अगर आप बाहर का ट्राई करना चाहते हैं तो जीमैट भी टेस्ट होता है। तो इसमें इन टेस्ट में बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है बट पैटर्न का थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे किसी टेस्ट का ग्रामर पे ज़्यादा जोर होता है, किसी का लॉजिकल बेस्ड रीजनिंग पे ज़्यादा जोर होता है, बट बेसिक जो प्रेपरेशन होती है वो सेम होती है कैट के साथ। तो मैं ये ही बताना चाहता था कि ऐसी रही मेरी कैट की जर्नी, और मैं सभी को ऑल द बेस्ट विश करना चाहता हूँ। और अगर आपको कोई क्वेरी या कुछ है तो मैं आपको अपना ईमेल आईडी बता देता हूँ, दैट इज f2017-0247@pilani, दैट इज pilani.bits-pilani.ac.in। तो आप इस पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और जितना तक मेरे से हो सका मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और मैं आस्क करूँगा आपसे कि ये आप वीडियो शेयर और ये चैनल दिल्ली नॉलेज ट्रैक को आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।